इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का अभियान सफल रहा है। इसरो की तरफ से आगे जानकारी दी गई है कि रोवर प्रज्ञान ने अब तक लैंडर विक्रम से लगभग 100 मीटर तक की दूरी तय कर ली है। आगे जानकारी दी गई कि रोवर ने अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, इसलिए उसे सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है और उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है। साथ ही साथ उनमें मौजूद LIBS और APXS पेलोड भी बंद कर दिए गए हैं। इन्हीं पेलोड्स के जरिए पृथ्वी पर चांद से संबंधित डेटा लैंडर द्वारा भेजा जाता था। लैंडर और रोवर को सौर ऊर्जा उनमें लगे सोलर पैनल्स के जरिए हासिल होती है। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि लैंडर और रोवर की बैटरी अभी पूरी तरह से चार्ज हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और 14 दिन के बराबर एक दिन होते हैं। लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से यानी 23 अगस्त से लेकर अब तक वहाँ दिन ही है, इसलिए लैंडर और रोवर को ऊर्जा संबंधित कोई परेशानी नहीं हो रही है। पर अब वहाँ 3-4 ही दिनों के बाद रात होने वाली है, जिससे लैंडर और रोवर के सामने ऊर्जा और ताप की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे उसके सामने हमेशा के लिए बंद हो जाने का संकट मंडरा रहा है। इसलिए एक सुनियोजित योजना के तहत उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है, जिससे उसके दोबारा चालू होने की कुछ संभावना हो और हमें दोबारा से चांद की सतह से आंकड़े उपलब्ध हो सके। चंद्रयान 3 ने अपने सफल मिशन में चांद की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन आदि तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ चांद की सतह पर घटने वाली प्राकृतिक घटना भूकंप का भी पता लगाया है। चांद पर अब अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होगा। अब देखने योग्य बात है कि नए सूर्योदय के बाद हमारा लैंडर और रोवर दोबारा काम कर पाता है या नहीं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।